नमस्कार। मैंने आज सोचा कि आज फिर आप लोगों को कुछ नया कुछ मैं बताऊं, तो नए में मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो आज मेरे पास एक वीडियो आई थी डॉक्टर आनंद की, वो मैंने शेयर की। और फिर मैंने सोचा कि अपनी दो किताबें हैं, ये एक अस्मिता है और एक है अस्तित्व, तो मैं इन किताबों के बारे में कुछ बात करूं। मैंने मेरी एक कविता है वो दी हुई है, वो जल्दी से एक नृत्य नाटिका के रूप में जब आपके पास मेरे पास जब आ जाएगी तो मैं आपको जरूर देखूं दिखाऊंगी उसको। इसमें वैसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ ऐसी लगी जो कि मेरी और आपकी दोनों की कविता हो सकती है, मैंने सोचा कि मैं वही सुनाऊं। एक कविता थी जो पढ़कर मुझे खुद ही लग रहा था कि ये कविता इतनी बड़ी है, ये आखिर मैंने कब लिखी, कैसे लिखी, इसके बारे में मन हुआ कि आपको बताऊं। कविता अस्मिता की है और 102 नंबर की कविता है, पृष्ठ संख्या है 119। मैं इस वीडियो के साथ इस किताब के लिंक भी शेयर करूंगी, जिसको पढ़ना हो वो मंगाकर पूरी किताब पढ़ सकता है। कविता है, कौन हैं हम? कौन हैं हम? मन, चित्त, अहंकार, आखिर कहाँ रहते हैं? हमसे श्रेष्ठ कौन है? किसे समझते हैं हम? हमारे दिल, हाथ, पांव में से आखिर किस पर काबू रखते हैं? हमारा इनमें से क्या है? इस मिट्टी के शरीर पर हमारा कितना वश है? पराधीन हैं हम, असीमित, हमारा चित्त, अहंकार, हृदय और ये क्षणिक शरीर, कुछ भी तो नहीं है हमारा। ये उस परमात्मा का सजीव अंश मात्र है, ये धारण किए हुए हिलते डुलते गोरे काले अंग कर्मेंद्रियां मात्र हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां भी सहायक बन जाती हैं यदा कदा लीलाओं में। कदाचित हम देखने लगते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं अहम भाव में, स्वयं के सौंदर्य पर इठलाते, यौवन पर मदमाते, बाँछे खिलाते, जांघों को ठोकते ललकारते हैं। अप्सराओं सा सौंदर्य लेकर रूपसी आखिर कितने दिन, अलसाए काले केश मेघों से नागिन सी चंचल वेणी बनाती है। क्षणिक छद्मावरण में फंसकर हम खुद को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये शरीर, ये झूठी सुंदरता हमारी होती तो किसी अनहोनी में हमारे अपने हाथ पांव न गंवाते। खिन्न प्राय ही सही, पर जरूरी है ज्ञात होना कि हम मन, चित्त और अहंकार से परे एक अकिंचन है। मानव हैं हम और मानवता से ही हमारा सच्चा नाता, मानवता से ही हमारा सच्चा नाता है, रिश्ता है। हमारे हृदय में बैठा आत्मीय वही परमेश्वर हमें सिखाता है। तो ये मेरी कविता 3 पेज की है, और जब मैं इसे आज देख रही थी तो मैं लगी सोचने, मैं इतना लंबा कैसे लिख डालती हूँ, इतनी लंबी लंबी कविताएं,
और इतनी लंबी कविताएं पढ़ने पर तो कोई भी बोर हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो लोग जो बहुत बोलते हैं, उन्होंने अपने मैंने पढ़ा हुआ है काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश में ये लिखा है कि जो सहृदय होते हैं, यानी कि जिनके हृदय इस प्रकार के होते हैं, जो कविताओं में रुचि रखते हैं या जो स्वयं भी लिखते हैं, तो वो इसे बड़े मन से पढ़ेंगे। तो आज इस कविता के साथ जो है, देखिए इसमें ये पीछे जो है पूरा ये बना हुआ है, ये लद्दाख का जो पैंगोंग लेक है, वहाँ के लेक के पत्थर हैं। इसकी कवर डिज़ाइनिंग, ये पूरी बुक कंप्लीट जो है, इसकी डिज़ाइनिंग मनोज पांडे सर ने किया हुआ है। एक फ़ोटो ये मैंने दी थी, और लद्दाख के कुछ उनकी फ़ोटोग्राफी के कुछ अंश हैं जिसको जोड़ करके उन्होंने ये पूरा एक कवर डिज़ाइनिंग किया हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये। और इसमें मैं पैंगोंग लेक के पास बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और ये मैं पत्थर जो है इकट्ठा करके पानी के ऊपर रख रही हूँ, ये छोटे छोटे मकान बना रही हूँ इसके ऊपर, पानी पर मकान। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने किया है। और मैं वहाँ पे, इतनी ठंड थी उसके बावजूद ये कॉटन के सूती कुर्ते में हूँ। ये भी इस चित्र में आप देख सकते हैं, मैं बैठी हुई हूँ पानी में। और ये कविता मैंने पढ़ी तो जो हाथ पैर गंवाने वाली बात थी, चूंकि मेरा कई एक्सीडेंट हुआ, हाथ में पैर में कई जगह चोट भी लगी, तो मुझे इस कविता पे मैं रुक गई। मैंने कहा आज ये कविता जरूर सुनाऊंगी आप लोगों को। ये बुक बहुत अच्छी है, और इसमें ये देखिए, ये पीछे इसमें मेरा परिचय भी दिया हुआ है। और ये पुस्तक, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पब्लिशर जिन्होंने इस पुस्तक को छापा, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी किताबें जो है छापी हैं, तो उसका भी इस पे है चित्र। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन किताबों को अगर कोई हमसे लेता है तो उसके लाभ की राशि जाएगी कैंसर मरीजों की सहायता के लिए। और कुछ चित्र हैं जो ये शुरू में दिए हुए, ये मेरे ही खींचे चित्र हैं, रंगीन नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखने पे आपको अच्छा लगेगा। ये जो मैं इस चित्र में बैठ करके जो मैं पत्थर सजा रही हूँ, वो इस पत्थर का यहाँ पे है, ये पत्थर मैंने लगाया है। और ये पैंगोंग लेक है पूरा, ये ब्लू कलर की एकदम, और ये पूरा ब्लू पूरा पानी में दिख रहा है, तो ये मिट्टी है वहाँ की, ये मैंने खींचा है, ये मोबाइल वाले कैमरे से खींचा है। और इस किताब में शुरुआत में मैंने तो काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, और लेकिन मैंने जो समर्पित किया है वो देख सकते हैं। उल्टा है इसलिए नहीं दिखेगा। मैंने यही लिखा है, मेरे सहित असंख्य कैंसर मरीजों को मृत्युंजय बना देने वाले आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे सर एवं आपकी प्रेरणा से संपोषित संरक्षित मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले कैंसर मरीजों के सहायतार्थ निर्मित नारायण मृत्युंजय फाउंडेशन को हृदय से सादर समर्पित, यह पुस्तक मैंने समर्पित किया है अस्मिता। अस्मिता ही क्या, मेरी तीन पुस्तकें जो वहाँ से प्रकाशित हुई, अस्मिता, अस्तित्व और अभंगिनी, तीन पुस्तकें थी, तीनों को मैंने समर्पित किया है नारायण मृत्युंजय फाउंडेशन को। तो ये है, और मुझे अच्छा लगा कि आज फिर आप लोगों ने मेरी बक बक सुनी, और मैं बहुत खुश हुई बोलकर आप लोगों से बातें करके। आप लोग कुछ कमेंट लिखा करिए, कुछ भी तो लिख दिया करिए, आपको कैसा लगा। अच्छा चलिए, खराब लगा वो भी लिख दीजिए, या मैंने क्या ज़्यादा बोला, या मैंने कौन सी अलग ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, या ऐसी कौन सी बात है जो मेरी अच्छी लगी। हाँ, वो मैंने जो सीखा है वो भी मैं बता रही हूँ। मेरा ये जो ड्रेस है, अगर ये भी अच्छा लगा हो, या फिर मेरे कमरे का जो कलर है वो अच्छा लगा हो, या इस कमरे में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप बता सकते हैं। नहीं मेरे बारे में कमेंट करना है तो कम से कम उसके बारे में ही कमेंट करें, पर कुछ करें ज़रूर। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम एवं बहुत बहुत धन्यवाद।